ये सवाल शायद ज़्यादातर लोग जिनको डोनर एक सुझाया गया है डॉक्टर के ज़रिए उन्हें होता है, और बहुत सारे एप्रीहेंशन, बहुत मन में विचार आता है कि क्या जो बच्चा बॉर्न होगा डोनर एग के ज़रिए, क्या वो डोनर जैसा दिखेगा? तो डोनर के फिजिकल पैरामीटर्स तो हम काफ़ी कुछ मैच करने की कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कलर ऑफ हेयर, कलर ऑफ स्किन, कलर ऑफ आइज, ब्लड ग्रुप, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें तो मैच करते हैं। तो अगर देखा जाए तो कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ जितना मिलता है, अगर ढंग से प्रोफाइलिंग किया जाए तो उतना ही मिलता जुलता IVF विद एग डोनेशन में भी बच्चे होते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, कुछ एक जैसा भी दिखेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग भी दिख सकते हैं, क्योंकि अगर वैसे देखा जाए तो कोई माता पिता और उनके अगर बच्चों को देखा जाए तो बिल्कुल एक जैसे तो नहीं मिलते हैं। तो मोटे मोटे पैरामीटर्स जो मैच करते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि बिल्कुल ही अलग सा दिखने लग जाएं बच्चे। जहाँ प्रोफाइलिंग सही नहीं की जाए, जैसे मान लीजिए कि जो 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 पेरेंट्स हैं जिनको कि एग डोनेशन की ज़रूरत है वो बहुत फेयर हैं, मान लीजिए, या उल्टा ले लें उसको कि उनका कलर जो है वो डार्क है थोड़ा सा, और सपोज हम डोनर ऐसा रिक्रूट करें जिसका कलर बहुत फेयर है, और अगर उस कपल को जिसका कि कलर बहुत डार्क है, दोनों माता पिता का और उनके भी पेरेंट्स का, और उनको अगर बिल्कुल ही फेयर बच्चा अगर हो, तो ये मिसमैच है। तो ये मिसमैच आप अवॉइड कर सकते हो जब आप डोनर सिलेक्ट करते हो, तो आप और आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो हैं वो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड कर सकते हैं।